में भरी दरबार में उस द्रौपदी को पेश करा जाता है और वो द्रौपदी चारों तरफ लगाती है, उसका इमदादी कोई उसे नजर नहीं आता। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी वहां पर बैठे हुए थे, सबकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। प्रेमी साथियों, आखिरकार राजा दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश देते हैं कि जाओ इस द्रौपदी की साड़ी को उतार दो। प्रेमी साथियों, जब ये बात वो दुशासन सुनता है तो द्रौपदी के जाके पास उस साड़ी के हाथ लगाता है। प्रेमी साथियों, झट से हाथ छुड़ाकर वो द्रौपदी अपने भाई श्री कृष्ण भगवान को याद करके उनका गुणगान करती है। किस तरह से प्रेमी साथियों, कवि महोदय ने लिखा इस रागनी के माध्यम से जिसको लेकर आ रहे हैं बड़े ही सुंदर कलाकार जिनको आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, भाई जयसिंह जी पूठी निवासी। ओ सुन तेरे द्वारका वाले मेरी आके लाज बचा ले, वो तेरी बहना रही पुकार पर मुझे
राजा